हेलो फ्रेंड्स, रेयर फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑटोमेटिक सिलाई मशीन में शटल टाइमिंग एडजस्टमेंट करके बताऊंगी। शटल टाइमिंग एडजस्टमेंट करने के लिए स्क्रू इसके अंदर लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हम ये फ्रंट कवर भी हटाएंगे और फेस प्लेट भी हटा देंगे। तो पहले हम फेस प्लेट हटा देते हैं। ये देखिए, इसके यहाँ पे एक स्क्रू दे रखा है, उसको आप खोल लीजिए। इसके बाद हम एक्सटेंशन टेबल को हटा देंगे। अगर फ्रेंड्स इसको पूरा खोलने का वीडियो आपको देखना है तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। एक स्क्रू यहाँ लगा हुआ है। और एक स्क्रू यहाँ है, इसे भी खोल देंगे। और एक स्क्रू यहाँ है, इसे भी खोल देंगे। एक स्क्रू यहाँ पर है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। आप मशीन की सप्लाई बंद करके ही करें, गलती से कहीं हमारा पेडल पे पैर आ गया तो मशीन चल सकती है। तो सावधानी से आप पहले इसको पिन को भी निकाल दीजिए, दोनों डायल को भी आप निकाल लें। अब हम इस फ्रंट कवर को निकाल लेते हैं। धीरे धीरे ही निकाले, एकदम से नहीं खींचे। हम नीडल प्लेट को हटा लेते हैं ताकि हमें आसानी से दिख जाए और आपको देखने में इजी हो जाएगा। इससे बोबिन को भी हटा लेते हैं। अब हम हुक रेस रिंग होल्डर को अनलेच कर देंगे और हुक रेस रिंग को बाहर निकाल देंगे। फुट को भी हटा लेते हैं। शटल टाइमिंग एडजस्टमेंट करने के लिए देखिए, ये रोड है, इसके ऊपर दो स्क्रू लगे हैं। देखिए, एक ये है, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, और दूसरा है, हैंड व्हील को हम घुमाते हैं ये नीचे की तरफ। इन दोनों स्क्रू को हम लूज करेंगे। लूज करेंगे तो ये शाफ्ट है, ये जो शाफ्ट है वो फ्री हो जाएगी। फिर हम हाथ से ये हुक रेस यूनिट को एडजस्ट कर देंगे और जैसे हमें चाहिए वैसे एडजस्ट करके हम इन स्क्रू को फिर से टाइट कर देंगे, तो वो जहाँ हम करना चाहते हैं वहाँ सेट हो जाएगा। लूज करने के लिए हमें एलेंकी की जरूरत पड़ेगी। ये एलेंकी का सेट है, ये देखिए, इसमें से हम 2.5 mm की एलेंकी यूज करेंगे। ये तीसरे नंबर की एलेंकी हम निकालेंगे। इसमें हम धागा डाल देते हैं क्योंकि अभी इसकी टाइमिंग एडजस्टमेंट सही है, ताकि आपको पता चले कि कैसे होनी चाहिए और हम इसको फिर बिगाड़ करके उसको फिर से सेट करना बताएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि सही पोजीशन क्या होती है। ये देखिए, नीडल नीचे की तरफ शटल में जा रही है, ये देखिए, और अब नीडल ऊपर उठ रही है और हुक धागे की तरफ बढ़ रहा है, देखिए, और इसने धागा पकड़ लिया है। ऐसे होनी चाहिए सही एडजस्टमेंट, ये देखिए। एक
एक बार और बताती हूँ मैं आपको, देखिए नीडल नीचे जा रही है, अब नीडल ऊपर उठ रही है और हुक इसके धागे को पकड़ने के लिए हुक बढ़ रहा है, देखिए धागे की तरफ, ये देखिए नीडल के बिल्कुल पास आ गया और धागे को इसने पकड़ लिया, ये देखिए ये सही पोजीशन है। अब हम इसकी सेटिंग को डिस्टर्ब करके फिर से उसको ठीक करके बताते हैं। तो डिस्टर्ब करने के लिए मैंने आपको पहले बताया है, जैसे दो स्क्रू दे के उनको लूज करेंगे तो ये शाफ्ट फ्री हो जाएगी। तो अब हम इसको लूज कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम इसको लूज करेंगे। वैसे ये लूज हो गए हैं, कभी कभार ये लूज नहीं होते हैं तो हम इसकी मदद से भी हम इसमें फंसा करके इसको घुमा करके इसको लूज कर सकते हैं। ये लूज हो गया है, दूसरे स्क्रू को भी इसी तरह से लूज कर लेते हैं। ये देखिए अब इसकी टाइमिंग डिस्टर्ब कर दी हमने, ये देखिए ये मैं आपको बता, नीडल नीचे जा रही है, देखिए ये नीडल नीचे आ गई। अब हम जैसे ही हैंड व्हील को घुमाएंगे, ये देखिए नीडल ऊपर जा रही है और नीडल की तरफ बढ़ रहा है, देखिए ये देखिए, पर इसको धागा नहीं मिला क्योंकि नीडल ज्यादा ऊपर उठ गई और ये हुक लेट आने की वजह से इसको धागा नहीं मिला प्रॉपर। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए मैं वापस रिवर्स करके बताती हूँ, नीडल ज्यादा ऊपर चली गई इसलिए इसको इस हुक को धागा नहीं मिल पाया, ये देखिए इसने धागा नहीं पकड़ा। ऐसी स्थिति में सिलाई ही नहीं आती ऐसी स्थिति में, और कभी कभी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है तो स्किप्ड स्टिचिंग आने लगती है। अब हम शटल टाइमिंग को एडजस्ट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम नीडल को नीचे ले जाएंगे शटल में। जब नीडल ऊपर उठना शुरू होगी वहां तक हम इसको नीचे ले जाएंगे और फिर छोड़ देंगे। अब हम इस शटल को एडजस्ट करेंगे हाथ से पकड़ करके, देखिए नीडल नहीं चल रही और शटल घूम रहा है, ये देखिए। अब हम हाथ से हैंड व्हील को घुमा करके नीडल को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, ये देखिए ऐसे रहना चाहिए जहां ये नीडल का, ये देखिए यहाँ आई होल है इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ये हुक का जो नुक्का है वो ये आई होल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अब हम यहीं रख करके यहाँ पर जो हमने लूज किया स्क्रू को फिर टाइट कर देंगे। पहले हम एक स्क्रू को टाइट कर देते हैं, अब इससे हम अच्छे से इसको टाइट कर लेते हैं। अब हम हैंड व्हील को घुमाएंगे और एक और स्क्रू है इसमें, दूसरा स्क्रू, उसको भी इसी तरह से टाइट कर देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, हैंड व्हील से हम घुमाएंगे, ये देखिए ये नीडल पूरी नीचे चली गई, अब ये ऊपर उठेगी यहीं से, ये धागा पकड़ लिया है। यहाँ पे इसलिए फंस जाता है क्योंकि इसमें बोबिन नहीं है, ये देखिए एक बार फिर से बताती हूँ मैं आपको, ये देखिए नीडल नीचे जा रही है, जितनी नीचे जानी चाहिए वो चली गई है, अब ये ऊपर उठेगी, ये देखिए, और ये धागा शटल के नुके हुक में फंस गया है, देखिए शटल टाइमिंग की जो सेटिंग हमने करी वो प्रॉपर हो गई, एकदम बराबर हो गई अच्छे से।
अब हम इस मशीन को जैसे जैसे हमने खोली है उसी तरह से सभी पार्ट्स को हम फिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम हुक रेस रिंग को लगा देते हैं। अब हम हुक रेस रिंग होल्डर को लगा देते हैं। अब हम इसमें बोबिन केज को भी लगा देंगे और अब हम इस पर नीडल प्लेट भी लगा देते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सभी को लगाना है। अब हमने जितने भी स्क्रू खोले वो स्टेप बाय स्टेप सभी को लगा देते हैं। स्टिच लेंथ डायल को लगाते समय आप ध्यान रखें, ये देखिए इसमें जो ये कट आ रहा है वो ये जिसमें लंबा नुक्का दिखाई दे रहा है, जिधर ये लंबा नुक्का है उस तरफ ये कट उस तरफ फिक्स होना चाहिए। अब आप घुमा करके ऐसे चेक कर लें। अब हम सेलेक्टर डायल को लगाएंगे। ये देखिए इसमें एक तो खड़ी वाली पिन है, ये देखिए ये सीधी और एक ये आड़ी वाली पिन है दोनों। कभी कभी क्या होता है कि ये ऐसे हो जाती है, इसकी सेटिंग इस तरह से हो जाती तो ये सेलेक्टर डायल सही से नहीं लग पाता है। तो आप इसको ऐसे कर लें सही से, ये सही है। और अब आप इसको लगाते समय ध्यान रखें, ये जो खड़ी वाली जो पिन दिख रही है वो ये एक तरफ जो स्लोट आ रहा है इसमें एक तरफ जो ये कट आ रहा है देखिए उसमें लगेगी। और जिधर ये देखिए ये जो आड़ी वाली जो पिन है दोनों तरफ वाली आड़ी वाली जो पिन है वो ये दोनों तरफ इसमें जो कट है इसमें फिट होएगी। तो मैं इसको लगा लेती हूँ। ये देखिए ये लग गया है बराबर। इस मशीन के मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये जो छोटी मोटी जो मशीन में प्रॉब्लम आती है वो आप घर पर ही बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।